वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है जैसे कि NXG बाइक और एक मैकेनिक ने इसका इंजन बनाया है और बनाने का बाद क्या हो रहा था जो बाइक में जो हम लोग का हेड है हेड पर इंजन ऑयल स्टार्ट होने का बात नहीं आ रहा है। तो गाइस ये बीमारी पहले भी था तो उन्होंने क्या किया था ऑयल पम्प जो है न्यू डाल दिया है। ऑयल पम्प न्यू डालने का बाद भी हेड पर इंजन ऑयल नहीं जा रहा है। तो गाइस मेरे पास फिलहाल अभी आया इस बाइक ये जो बाइक है तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो ये बाइक आया है हेड पर इंजन ऑयल क्यों नहीं जा रहा है और हम लोगों को अगर इंजन ऑयल नहीं जाता है पम्प लगाने के बाद तो हम लोग क्या क्या चेकअप करें और क्या क्या चीज़ को गौर करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे पर चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तो बाइक में इंजन ऑयल है कि नहीं। अगर आप लोग सोचे कि इंजन ऑयल नहीं है और स्टार्ट करके दिखा रहा है तो सबसे पहले हम चेकअप करेंगे बाइक में इंजन ऑयल का माप कितना होता है प्लस लाइए। तो गाइस यहाँ देखिए ऑयल है फिर भी हम आपको दिखाते हैं पोछो कपड़ा से। चलो इसे हम नाट लगाते हैं और माप देखते हैं इंजन ऑयल का जो माप हम लोगों का गैस से आ रहा है कि नहीं बराबर। ठीक है तो गाइस यहाँ देखिए एकदम बराबर गैस से ऑयल एकदम आ रही है 100%। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट मार के दिखाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए बाइक का स्टार्ट कीजिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा हेड पर इंजन ऑयल की छिड़कान एक फोटा भी नहीं जा रही है। तो ऐसा वक्त में अगर बाइक कस्टमर को दे देगा तो हेड पे जितना भी हम लोगों का कैमशाफ्ट है रॉकर है सब खराब हो जाएगा सीज हो जाएगा धजिया उड़ जाएगा। तो गाइस ये सब हम लोग चेकअप करेंगे हेड पर इंजन ऑयल क्यों नहीं आ रहा है इसका रीज़न क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम खोलेंगे जैसे कि एक क्लच चैम्बर क्योंकि उन्होंने क्या किया था इंजन जब खोला है तो हेड सिलेंडर पिस्टन का काम किया है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम चेकअप करेंगे जो क्लच चैम्बर में हम लोगों का एक ऑयल सील होता है ऑयल सील ख़राब हो गया या सही है वो चेकअप करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं जो हम लोगों का ऑयल सील सही है या ख़राब है। तो चलिए क्लच चैम्बर को खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखा तो गाइस ये जो ऑयल सील है पहले ये ऑयल सील को हम चेकअप करेंगे हम लोग का टाई जा रहा है या ढील जा रही है क्योंकि जो हम लोगों का इंजन ऑयल आती है इसी जगह से आती है गाइस। ठीक है और यहाँ देखे हम लोगों का इंजन ऑयल जो आती है इस छेद से हम लोगों का क्रैंक में जाता है जो क्रैंक जो हम लोग का छेद है यहाँ से क्रैंक जाता है क्रैंक को लुब्रिकेट करता है। अगर ये इस जगह पर हम लोगों का इंजन ऑयल लीकेज करे तो क्या होगा हवा ले लेगा और इंजन में नहीं जा पाएगा। ठीक है तो चलो हम सारे काफ़ी चीज़ खोल के आप लोगों को दिखाते हैं जो कौन सा चीज़ पे जा रहा है हम लोगों को गौर करना है। तो चलिए इसको बैलेंसर को खोलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये नया ऑयल पंप है ठीक है तो चलो हम चेकअप करते हैं जो हम लोग का ऑयल पंप का जो हम लोग का ये रॉड है
रॉड इसके साथ संपर्क हो पा रहा है कि नहीं, पहले उसको चेकअप करेंगे। एक बूस होगा, ये बूस हम लोगों का जाम हो चुकी है। तो गाइस गड़बड़ी यहाँ पर ही है, देखो ये बूस हम लोगों का जाम हो चुकी है। तो गाइस यहाँ देखिए गड़बड़ कर दिया है और ये ऑयल पम्प हम लोगों का नहीं खेल रहा है, तो बट हमको फ्री करना है और सही करना है तभी हम लोगों का ऑयल पम्प काम करेगा। तो मुझे लग रहा है ये खेल नहीं रहा है। तो गाइस क्या करेंगे, उस पार का हम लोग मैग्नेट खोलेंगे और वहाँ से जो हम लोग का सैफ्ट है उस सैफ्ट को हम लोग खिलाएंगे और ये आया जाए कर रहा है तो सही है, वरना अटक के रह जाएगा तो हम लोग का ऑयल पम्प काम नहीं करेगा। तो फिलहाल ये अटक के है, देखो ये बूस जाम है, देखो ये बूस नहीं आ रहा है, ये बूस नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या हो रहा है, जो हम लोगों का दिक्कत हो रहा है। चलिए इसे खोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो वाला नोच प्लस दीजिए। तो जब भी पंप लगाता है रॉड अंदर चले जाता है, तो इसका रीजन क्या है, मैं खोलता हूँ इंजन, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो इसके साथ क्या हुआ है। तो चलिए मैग्नेट कवर खोलिए, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने खोल लिया है, अब फाइनल आप लोगों को बताऊंगा जो एक्चुअली इस बाइक में हुआ क्या है। तो गाइस ये था हम लोगों का रॉड निकला जो हम लोगों का पंप को घुमाता है। तो गाइस ये पंप रॉड जो है ये नाट टूट चुकी है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास ये दूसरा पंप वाला रॉड है और यहाँ देखिए ये एक पंप है। तो यहाँ देखिए कितना छोटा बड़ा हो रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए आप लोग ये नाट इतना सा छोटा हो रहा है। इसका कारण क्या हो रहा है, ये पंप इधर आ जाता है और यहाँ शॉर्ट हो जाता है और ऑयल पंप को घुमा नहीं पा रहा है। तो गाइस ये जो ऑयल पंप है, ऑयल पंप इसी जगह रहेगा, अगर ऑटोमेटिक रॉड इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, जो पंप को इसी जगह पर घुमा नहीं पाएगा। तो इस बाइक में फ़िलहाल यही प्रॉब्लम है, ठीक है। इस रॉड को हम न्यू डालेंगे। तो गाइस ये टाइमिंग चेन देखो कैसा है, ये टाइमिंग चेन भी अच्छी तरह से ये इंजन जब किया है तो नहीं लगाया है, तो मैंने न्यू टाइमिंग चेन लगाऊंगा जेनुइन, ठीक है, पूरा किट। और ये पंप रॉड है। अब गाइस एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये भी टूटा हुआ है, तो इसे मैं चेंज कर दूँगा। मेरे पास दूसरा अच्छा वाला है, ये वाला चीज़ लगाऊँगा और ऑयल सील नया डालूँगा, ठीक है, और ये हम चेंज कर देंगे। तो गाइस ये रॉड भी चेंज कर देंगे और ये भी हम लोग का पत्ती है चेंज कर देंगे और ऑयल पम्प न्यू है। तो सब कुछ हम लोग आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा और 100% बाइक में काम करेगा। तो गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आप लोगों को एक पुलार की ज़रूरत होता है, इस पुलार को आपको पकड़ के इस तरह से धरना है और घुराना है। तो मैंने इस पुलार से खोला है। अगर आप लोग बनाना चाहते हो, जैसे कि कोई भी आप लोगों के पास टी हो, जैसे कि ए टी है ना, तो आपको लेद में कटना है ग्राइंडर मशीन से, कट के इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बना लिया है, अब हम आपको फिटिंग करके बताता हूँ। चलो टाइमिंग चेन लगाएंगे, तो इस पंप को हम भरते हैं। तो चला गया है, अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे रोलर जो टाइमिंग रोलर है। तो गाइस ये जो टाइमिंग रोलर है काफ़ी सारे आदमी उल्टा लगा देते हैं, तो आपको हम बताते हैं जो लिखा हुआ है हीरो लिखा जो हुआ है, ये हमको ऊपर साइड रखना है और इस पोल को हमको नीचे साइड रखना है, तभी हम लोगों का ये अच्छी तरह से वर्क करेगा और ऑयल पंप हम लोगों का काम करेगा। अगर गड़बड़ लगा दे तो ऑयल पंप ठीक से काम नहीं करेगा और पंप रॉड इधर आ जाएगा। तो एक नंबर आपको इसी तरह से लगाना है, देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, बस ये लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे और इस पुलार की मदद से उस साइड हम धरेंगे, ठीक है, पकड़ेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। जाइए आप, जाइए आप, जाइए टाइट दीजिए। चलो पकड़ गया ना, हाँ चलो टाइट करो, टाइट करो अच्छी तरह से, पूरा डाट को टाइट कर दो अच्छी तरह से एकदम। बस ठीक है, अब गाइस ये हम लोगों का रोलर जो है ये 100% टाइट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, टाइमिंग चेन लगाएंगे, लगाने के बाद आप लोगों को घुमा के दिखाऊंगा और ऑयल भी आ जाएगा और टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो टाइमिंग चेन हम लोग फिटिंग करते हैं।
सबसे पहले टाइमिंग चेन भरेंगे, उसके बाद रोलर भरेंगे। तो ये कपड़ा आपको भर लीजिए, वरना टाइमिंग चेन को टालने के लिए तकलीफ़ होता है। तो चलो इसे हम यहाँ भर देते हैं और कपड़ा लेके खींचेंगे। तो ये वाला रोलर जो है, ये वाला रोलर जो लिखा हुआ है, हम लोग ऊपर साइड देंगे। तो चलो इसे कुछ फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ हम भरेंगे, वो आहिस्ता करके चल जाएगा। बस चल चुकी है। तो गाइस देखिए, आहिस्ते आहिस्ते करके हमने टाइमिंग चेन को टाना और टाइमिंग चेन को हम लोग लगाएंगे। अब इस नाट को हम लोगों को सेंटर करना पड़ेगा जो रोलर हम लोगों का है। तो चलो रोलर की नाट को लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस टाइमिंग हमने परफेक्ट रखा है। यहाँ छेद पर देखो और ये छेद के देखो, और मैग्नेट का जो लॉक है सीधा सीधे रखना है, ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में आ जाता है। अब कैम का जो हम लोग का पोजीशन है, हम लोगों को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। हम लोगों का टाइमिंग बन गया है। तो चलो मैग्नेट को निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जिसका पोजीशन जो है, ये टाइमिंग चेन का पोजीशन परफेक्ट हो चुकी है। तो चलो हम लोग पत्तियाँ लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। टाइमिंग चेन का पंप है, ये पंप अगर काम ना करे तो आप लोग क्या चेक करें। इसके अंदर एक बॉल होता है, ये बॉल अगर गिर जाएगा तो पंप हम लोगों का काम नहीं करेगा और टाइमिंग चेन टाइट नहीं होगा। अगर टाइट नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा मैं आपको बताऊंगा, और सही है तो क्या होगा। तो चलो हम लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पंप किस तरह से ये भी काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो इस पंप रॉड को हम लोग भरते हैं। भरने के बाद एक स्प्रिंग डालेंगे, पतली वाली, मोटा वाला नहीं। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, मोटा वाला स्प्रिंग लगाते हैं और टाइमिंग चेन पूरा हार्ड हो जाता है। हार्ड होने कारण भी हम लोगों का प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होता है। तो चलो नाट को लगा देते हैं। तो ये पंप अभी काम नहीं कर रहा है, वो तो ऑटोमेटिक है। ये हार्ड हो जाएगा, ये पंप हार्ड हो जाएगा तभी हम लोगों का पंप सही है। तो पहले हमको हार्ड करना है, उसके बाद काम करना है। तो चलो इस नाट को हम लोग खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहीं से कंप्रेसर लाएंगे। काफ़ी सारे मैकेनिक जानते नहीं जो कंप्रेसर किस तरह से लाए। तो गाइस यहाँ से आप लोग देखो जो हम लोगों का बैठा हुआ है। अब यहाँ हम पंप भरे, जैसे कि ऑयल भरेंगे तो ऑटोमेटिक उठ रहा है, देखो उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है और नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नाट को हम लगा देंगे यहाँ, ऑटोमेटिक हम लोगों का जो हवा है ये ऑटोमेटिक हार्ड हो चुकी है और टाइमिंग चेन ऑटोमेटिक टाइट हो चुकी है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक पंप हम लोगों का हार्ड हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से पंप काम करता है। तो गाइस आहिस्ता 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 करके ऑटोमेटिक जब बाइक चलेगा तो इसके अंदर ज़्यादा ऑयल जाने से क्या होता है, ऑटोमेटिक पंप 100% सही हो जाएगा। तो चलो थोड़ा दे देते हैं। अब यहाँ देखो एकदम हार्ड हो चुकी है, देखो, और नहीं उठ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो टाइमिंग चेन हम लोगों का ऑटोमेटिक टाइट हो गया और बाइक का साउंड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया क्वालिटी आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक पंप हम लोगों का काम कर रहा है और वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट है। अब हम आपको दिखाएंगे उस साइड में ले जाके, सब कुछ फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, तो ठीक है। ये हम लोग सेल फिट करेंगे, वन वे बैरिंग फिट करेंगे और सब कुछ फिटिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए टाइमिंग चेन को हम लोग इस पर लगा देंगे। तो चलो लगा दिया है, बस हम लोगों का काम कर रहा है। अब सेल घुसाएंगे। बस तो चलो नाट फाट लगा देते हैं। तो गाइस नाट टाइट करते हैं। यहाँ हम सब कुछ लगा देंगे। लगाने के बाद आप लोगों को क्लच चेंबर पे जाता हूँ और ऑयल पंप जितना भी वगैरह है सब कुछ लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और बाइक पे इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। 100% आएगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो गाइस ये बूस हम लोगों का जाम्प है, कहीं चोट खावा हुआ है तो इसको हम नहीं लगाएंगे, दूसरा नया बूस लगाएंगे। तो चलो बूस पहले हम लोग शेडिंग कर लेते हैं और अच्छी तरह से हम लोग इसे फ्री करेंगे। फ्री अगर हम लोग का जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आराम से ये फ्री जा चुकी है गाइस। अब हम क्या करेंगे, ऑयल पंप लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस ये हम लोगों का ओल्ड पंप है, ये भी सही है, और न्यू पंप है, ये भी सही है। तो अगर आप लोगों का पंप ख़राब हो जाएगा तो आप लोग किस तरह से जांच करें जो पंप ख़राब है, मैं आपको अच्छा ट्रिप बताता हूँ। गाइस यहाँ देखिए हम इंजन ऑयल डालेंगे एक ही जगह पर, ठीक है, डालेंगे एक ही जगह पर। और इसक्रू ड्राइवर दीजिए, जैसे कि इसको हम घुमाएंगे, देखो इस छेद पर आ रहा है, इस छेद पर आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ से इंजन ऑयल डालेंगे, जैसे कि इस छेद पर डालेंगे, इस छेद पर डालेंगे और इसको ड्राइवर को घुमाएंगे। अगर इस छेद से हम लोग का ऑयल आएगा तो हम लोगों को पता चल जाता है, देखो ऑयल आ रही है, इससे पता चलता है तो हम लोग का ऑयल पंप सही है।
तो इसी तरह से ऑयल पम्प हम लोग चेकअप कर सकते हैं। तो बट ये प्रॉब्लम हम लोगों का ऑयल पम्प का नहीं था, तो चलो ऑयल पम्प हम न्यू लगा दिया तो लगा देंगे। इसी जगह पर गलती कर देते हैं, जैसे कि हमारा सेटिंग इस तरह से होगा तो हम लोगों का एक जैसे कि वहाँ पॉइंट है, उस पॉइंट को मिलाना है ताकि ये ग्रुप में जाके सेटिंग हो जाए। तो चलो आहिस्ते आहिस्ते करके लगाता हूँ और ग्रुप में सेटिंग हो रहा है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए ज़बरदस्ती नहीं किया, ऑटोमेटिक जाके गज गया है। अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे, नाट लगाने के बाद हम लोग चेकअप किस तरह से करें, जो हम लोग का साथ रॉड का साथ पम्प सेटिंग हो चुकी है वो भी आपको बताऊँगा। तो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे मैग्नेट घुमाने के बाद हम लोग का ऑयल पम्प घूम रहा है कि नहीं। अगर नहीं घूमेगा तो इसमें दिक्कत आएगा, तो पहले हम चेकअप कर लेंगे जो हम लोग का पम्प वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलो इस नाट को खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो जाइए 14 नंबर गुठी लेके और इसको पम्प को घुमाइए, मैग्नेट को घुमाइए। यहाँ देखिए ये घूमेगा गाइस, देखो। तो गाइस हम लोगों का ऑयल पम्प ठीक काम कर रहा है और घूम रहा है 100%, ठीक है। तो गाइस देखिए 100% घूम रहा है। तो मुझे अभी पता चल रहा है जो मेरा पम्प एकदम कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ तक हम लोग का ठीक है और फिर भी ऑयल नहीं जा रहा है तो हमको पूरा लाइन चेकअप करना है। जो यहाँ से हम लोग का एक लाइन होता है वो लाइन चल जाएगा सिलेंडर होके हेड के ऊपर। अगर ये काम करने का बाद नहीं होगा तो फिर हम सिलेंडर खोलेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो इसे लगा देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस ये जो नेट है, नेट को सफाई करके लगाना। अगर नेट जाम रह जाए तो भी बाइक में जैसे कि ऑयल नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, तो इसके क्लियर नहीं मिलेगा। तो मेरा फ्रेश है, चलो इसे हम लगा देते हैं। अब गाइस यहाँ हम लगाएंगे बैलेंसर नाट। तो चलो नाट फाट टाइट करके आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। बस गाइस ये फट चुकी है और ये ऑयल सील भी ख़राब हो चुकी है, मेरे पास था। चलो इसे लगा देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये ऑयल सील आप लोगों को नया डालना पड़ेगा, अगर ये लीक करेगा तो इसमें भी हवा लेगा, तो इसमें अगर यार लेगा ना तो भी हेड पर ऑयल कम जाएगा। तो इस ऑयल सील को आप लोग चेकअप कर लीजिए, अगर हार्ड हो जाए तो भी चेंज कर दे, कट जाए तो भी चेंज कर दे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का ऑयल जाता है ऑयल पम्प से जैसे कि क्रैंक से अपर, उसको लुब्रिकेट करता है गाइस, ठीक है। और इसी जगह अगर लीक करेगा ना तो इंजन का जो हेड है उसमें हम लोगों का ऑयल की छिड़काई तेज से नहीं दे पाएगा। काम कंप्लीट है, अब आपको चेंबर टेंबर लगा के स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलो चेंबर टेंबर लगा देंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे जो इंजन ऑयल आ रही है कि नहीं। तो गाइस सब कुछ टाइट कर लिया, अब फाइनल बाइक को स्टार्ट नहीं किया है, अब स्टार्ट करूँगा, इंजन ऑयल भी डाल दिया है। तो चलो बाइक को स्टार्ट करो और थोड़ा रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। देखो कितना छिड़काई आ रहा है और हाथ भी भीग गया है, और इसमें हम लोग का एकदम अवेलेबल इंजन ऑयल आ रहा है। तो गाइस बंद करते हैं बाइक। तो गाइस मैंने जो आप लोगों को फार्मूला बताया ये सब करके भी नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को हेड सिलेंडर खोलना है और इसमें छेद होता है, उस छेद में कुछ कचरा चल जाता है, उसका कारण हेड में नहीं आता है। तो गाइस इस बाइक में फिलहाल यह सब कुछ लाइन क्लियर था, सिर्फ प्रॉब्लम हुआ था वो जो पंप का रॉड था, वो रॉड पंप के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसका कारण प्रॉब्लम आ रहा था। तो गाइस यही था हमारा वीडियो, और आप लोगों ने देखा 100% इंजन ऑयल हेड पर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग इंजन जब करेंगे ना तो आप लोग को स्टार्ट करके ये नाट खोल के देख लीजिए इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं। अगर इंजन ऑयल आ रही है तो ही कस्टमर को बाइक आप दीजिए, अगर इंजन ऑयल नहीं आएगा तो आप लोग चेकअप कर लिए किस कारण से नहीं आ रहा है, मैंने आपको दिखाया वो आप यूज कीजिए, अगर इसका लाइन को चेकअप कीजिए। तो गाइस यही था हमारा वीडियो,
इंजन ऑयल नहाने का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।